और दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पीएम किसान योजना का लाभ कैसे आप ले सकते हैं, कैसे आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से किसानों का ऐसा है जिन्होंने अब तक का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, और अगर रजिस्ट्रेशन कराया है तो बहुत सी गलतियाँ उसमें हो गई हैं जो कि सुधार नहीं हो पाई हैं। और लॉकडाउन के कारण बहुत सी दुकानें भी खुल भी नहीं रही हैं, तो उसमें क्या है किसानों का जो किस्त है वो पूरी तरह से आ नहीं पा रहा है, किसी का रिकॉर्ड फेल हो गया है तो किसी का आधार नंबर गलत हो गया है। इन सारी चीज़ों का आज मैं बताऊंगा कैसे इसका सोल्यूशन हो सकता है। आप घर बैठे कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर किसी से भी आप इतनी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो उसका स्टेटस देखने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा pmkisan.gov.in पर। जैसे ही आप इस वेबसाइट में जाएंगे तो कुछ इंटरफेस कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर साइड में दिखेगा फार्मर कॉर्नर, जिसमें आपको न्यू फॉर्म रजिस्ट्रेशन यहाँ दिखेगा। अगर आपने किसान हैं, आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, तो आप न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। और अगर आपके आधार में कुछ भी गलती हुई है, आधार नंबर, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको अपना स्टेटस देखना है, चेक करना है कि हमारे खाते में कितनी किस्त आई हुई है, तो आप बेनिफिशरी स्टेटस पर देख सकते हैं। अगर आपको देखना है अपने लिस्ट 2020 की, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर अपडेशन टू सेल्फ रजिस्ट्रेशन, यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है एम किसान, तो यहाँ से मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक भी यहाँ से आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं स्टेटस। तो ये हो चुका है ओपन। अब इसमें आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, पहला आधार नंबर, दूसरा अकाउंट नंबर और तीसरा मोबाइल नंबर। तो आप इन तीनों चीज़ों से चेक कर सकते, आधार, अकाउंट और मोबाइल नंबर तीनों चीज़ सही है, तो यहाँ से कोई भी एक चूज कर लीजिए। जैसे मैंने आधार नंबर चूज कर लिया है, तो यहाँ पर मैं डालूंगा अपना आधार नंबर। तो मैंने डाल दिया है आधार नंबर और गेट डाटा पर क्लिक करेंगे। जैसे आप गेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका डिटेल शो करने लगेगा, कि जिस भी नाम से होगा यहाँ पर आपका नाम शो करेगा। दूसरा, अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो मोबाइल नंबर शो करेगा। स्टेट आपका जो भी हो वो शो करेगा, विलेज, टाउन, रजिस्ट्रेशन स्टेटस, कब आपका रजिस्ट्रेशन किया गया है, और एक्टिव इनएक्टिव स्टेटस भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस जो हम रिकॉर्ड देख रहे हैं इसका एक्सेप्टेड है, इसमें किस्त आ चुकी है 5 इंस्टॉलमेंट तक। आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ इसमें आ चुके हैं। अब सिक्स्थ आना अभी बाकी है, और ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ से आप डाटा कर सकते हैं। अगर कोई भी त्रुटि हो तो आप अपने अधिकारी से मिलकर सॉल्व करा सकते हैं। उसके बाद आप दोबारा आ जाते हैं होम पेज पे। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, अपने घर बैठे बहुत ही आराम से, ना तो आपको कहीं जाना है ना कहीं भागना है। चलते हैं सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे, ठीक है। आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे आएंगे pmkisan.gov.in पर, उसके बाद न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करते ही यहाँ पर आपको आपके सामने खुलकर आ जाएगा ये पेज, जिसमें यहाँ पर शो करेगा इंटर आधार नंबर। तो आप अपना आधार नंबर, जो भी किसान हैं वो अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल दें।